हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरेब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक श्री राम जन्मोत्सव पर छिंदवाड़ा शहर हुआ राममय हिंदू उत्सव समिति निकालेगी भव्य शोभा यात्रा श्री राम जन्मोत्सव वाहन रैली में शामिल होंगे जिले के सांसद नकुलनाथ कांग्रेस धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ ने दी जानकारी महिला रेसलर्स का हब बन रहा है अपना छिंदवाड़ा स्टेट और नेशनल लेवल पर कुश्ती के लिए तैयार हो रही लड़कियां 1 अप्रैल से जिला कुश्ती संघ देगा स्पेशल ट्रेनिंग और आंगनवाड़ी बहनों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान कहा राज्य सरकार ने वादा खिलाफी की इस बार पीछे नहीं हटेंगे नमस्कार सिटी हलचल में आपका स्वागत है दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की गुरुवार को श्री रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में शहर में उत्साह से श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं वाहन रैली निकालने जा रही है जिसमें जिले के सांसद नकुलनाथ शामिल होंगे इस संबंध में कांग्रेस धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आनंद बख्शी ने जानकारी दी है हिंदू उत्सव समिति छिंदवाड़ा द्वारा इस वर्ष भी श्री राम नवमी पर्व भव्य स्तर पर मनाया जाएगा श्री दादाजी धूनी वाले दरबार से विशाल शोभा यात्रा हर साल की तरह निकाली जाएगी ये वाहन रैली 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होती है जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं श्री राम नवमी उत्सव को देखते हुए छिंदवाड़ा शहर पूरी तरह श्री राममय हो गया है जगह जगह स्वागत द्वार तोरण विद्युत साज सज्जा और विशाल बैनर लगाए गए हैं इस बार श्री राम नवमी समारोह में प्रसिद्ध रामायण धारावाहिक में लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले कलाकार सुनील लहरी भी विशेष रूप से शामिल हो रहे हैं जय श्री राम हिंदू उत्सव समिति छिंदवाड़ा के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री राम नवमी के पावन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा दिनांक 30 मार्च को दोपहर 12 बजे श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर से निकाली जा रही सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मातृशक्ति से युवा शक्ति से छात्र छात्राओं से ये अनुरोध है कि अपने अपने दोपहिया वाहन लेकर के ठीक 12 बजे श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के पावन पर्व पर इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में अधिक से अधिक सम्मिलित हों मातृशक्ति से यह अनुरोध है कि मातृशक्ति को नारंगी या भगवा साड़ी में रहने का जो हिंदू उत्सव समिति ने निर्णय लिया है वे सभी वहाँ उपस्थित हों साथ ही साथ हमारा एक और अनुरोध है कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा है मर्यादाओं का पालन हो हिंदू उत्सव समिति और हिंदू उत्सव समिति के जो स्वयंसेवक हैं उनके निर्देशों का पूरा पालन करते हुए सभी शहर के वासियों से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जिले वासियों से धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सभी संगठनों से रामायण मंडल गणपति उत्सव समिति दुर्गा उत्सव समिति और हमारे दुर्गा जस मंडल सबसे हम ये करबद्ध अनुरोध करते हैं कि इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में दोपहिया वाहन के साथ सम्मिलित होकर भगवान श्री राम जी के इस आयोजन में पुण्यार्जन करें जय श्री राम हम सब कांग्रेस जन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए
दोपहर 12 बजे दादाजी धुनी वाले मंदिर से हम सबको आह्वान करते हैं। हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी अध्यक्षगण, हमारे सभी मोर्चा संगठन के पदाधिकारीगण, महिला संगठन के पदाधिकारीगण, युवा संगठन के पदाधिकारीगण, छात्र संगठन के पदाधिकारीगण सभी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद, हम सबके ऊर्जावान साथी आदरणीय नकुलनाथ जी भी शोभा यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। हम सब कांग्रेस जनों से अनुरोध करते हैं कि इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में अवश्य उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जन करें। जय श्री राम। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बख्शी ने बताया कि जिले के सांसद नकुलनाथ सुंदरकांड ग्रुप द्वारा रामनवमी पर आयोजित होने वाली विशाल शोभा यात्रा जो शाम 4 बजे से निकलेगी उसमें भी शिरकत करेंगे। हम सब कांग्रेस जन यह भी अनुरोध करते हैं कि श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा सुकलू ढाना माता मंदिर से एक शोभा यात्रा शाम 4 बजे निकाली जा रही है। माननीय श्री नकुलनाथ जी उस शोभा यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। हम सब कांग्रेस जनों से अनुरोध करते हैं, मातृशक्ति से अनुरोध करते हैं, युवा शक्ति से अनुरोध करते हैं कि सुकलू ढाना से आरंभ होने वाली सुंदरकांड ग्रुप की इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन की शोभा बढ़ाएं और पुण्यार्जन करें। कहते हैं शक्ति का नाम ही नारी है और ये साबित कर दिखाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलर छिंदवाड़ा की रहने वाली शिवानी पवार ने, जो इन दिनों ओलंपिक की तैयारी कर रही है। उमरेठ के शिवानी से प्रेरणा लेकर अपना छिंदवाड़ा लड़कियों के लिए कुश्ती का हब बनता जा रहा है। ये है पूर्वा और आभा, ये दोनों रेसलर बनने के लिए तैयार हो रही हैं। उमरेठ की रहने वाली महिला पहलवान शिवानी पवार की तर्ज पर आभा और पूर्वा ठाकरे, जो कि सगी बहनें भी हैं, इन दिनों स्टेट लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिला कुश्ती संघ इसमें इनकी मदद कर रहा है। कुश्ती संघ के मीडिया प्रभारी देवेंद्र वर्मा के मुताबिक 1 अप्रैल से ग्रामीण और शहरी छात्राओं के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संबद्ध जिला कुश्ती संघ खिलाड़ियों के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पूर्वा और आभा जैसे भावी पहलवानों को शिवानी के कोच रहे कलशराम मरसकोले, पहलवान सोनू दुबे, शकील पहलवान, श्रीपाल पहलवान, रमेश दादा प्रशिक्षित करेंगे। गौरतलब है कि पूर्वा ठाकरे ने कुश्ती ओपन स्टेट में इंदौर में सिल्वर मेडल हासिल किया था और अब वो मुख्यमंत्री कप स्टेट प्रतियोगिता खेलने जाने वाली हैं। आप छिंदवाड़ा में कुश्ती खेलते हैं तो आपका व्यू क्या है और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे मेरे पापा से और गोविंद सर से और स्टेडियम में हम जाकर मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं। आप क्या क्या खेल चुके हो और कहाँ कहाँ जा चुके हो? मैं इंदौर और गुरैया, इंदौर नीमच और जबलपुर। जबलपुर में आपने क्या खेला और क्या प्राप्त हुआ था? जबलपुर मैंने संवाद खेली और उसमें गोल्ड मेडल आया है। गोल्ड मेडल। और अभी आपका स्टेट आप खेलने वाले हैं ऐसा हमें सुनाई दिया है। हाँ, स्टेट। हाँ, स्टेट। अप्रैल पे वो मेरा कभी भी आ सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्वा ठाकरे। पापा का क्या नाम है? पापा का नाम महादेव ठाकरे। और आप कहाँ रहते हो और कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं खजरी में रहती हूँ, छोटे से गांव पे, और मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल पे पढ़ती हूँ, 9th क्लास पे। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? आभा ठाकरे। आभा ठाकरे, आप भी इनको साथ में कुश्ती खेलते हैं? यस। आपके प्रशिक्षक का कौन है? प्रशिक्षक आपको जो है ट्रेनिंग कौन देता है? गोविंद सर। आपने क्या क्या खेल चुका है? स्टेट। स्टेट आप खेल चुके हैं? यस। आपको अभी कौन कौन से मेडल प्राप्त हो गए? ब्रॉन्ज। और अभी आप आगे क्या खेलना चाहते हो? नेशनल। आप अभी आपकी रुचि क्या है, कि आप सर्विस में जाना चाहेंगे या खेल भावना आप खुद अपना वो करेंगे? खेल भी दोनों करेंगे। दो बच्चे हैं पूर्वा आभा, और बढ़िया प्रैक्टिस करती हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छा कर रही हैं, स्टेट खेल चुकी, डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया अच्छा प्रदर्शन रहा। और इस साल पूर्वा ने अपने जो ओपन दंगल होते हैं इसमें 60 लड़कों को पटक चुकी है अपने से, बड़े बड़े लड़कों को,
बस लगे हैं वो प्रयास हम लोग आगे जाके हमारा और जिले का और खुद का नाम रोशन करें। बस अभी इनको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती ये है? ये खेल युवक कल्याण विभाग की बिल्डिंग है, स्टेडियम में हमारे पास मेट है 40x40 का, उसमें लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। कितने बच्चे और ट्रेनिंग कर रहे हैं? वैसे तो अभी 30-35 बच्चे हैं, वो सब अभी एग्जाम के कारण अभी सब बंद हो चुके थे, अब फिर शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख से कंटिन्यू हमारा निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। ये आपके यहाँ ट्रेनिंग में कौन लोग भाग ले सकते हैं? यहाँ सभी बच्चे बच्चे हो बड़े हो, जो पुराने खेलने वाले हैं बंद कर दिए हैं वो भी आके हमको भी गाइड करें और खुद भी प्रैक्टिस करें अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से। निशुल्क सेवा हमारा कुश्ती निशुल्क सेवाएं रहेगी वहाँ पे। आपका क्या नाम है? गोविंद देवनाथी, पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक। आप प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को? जी, पुलिस लाइन जिम भी देखता हूँ मैं, थोड़ा समय निकाल के बच्चों को भी दे देता हूँ। क्या क्या प्रशिक्षण देते हैं आप? कुश्ती में सारे जितने इवेंट होते हैं सब उनकी टेक्निक वगैरह है, थोड़ा जो डाइट वगैरह है वो भी अपना हल्का फुल्का उनको बताते रहते हैं, ऐसा खाना चाहिए ऐसे रहना चाहिए। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पूरे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी मानदेय संबंधी मांग को लेकर सड़क पर हैं। उनका कहना है कि पिछली बार शिवराज सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की, लेकिन इस बार वो अपना हक लेकर ही रहेंगी। मध्य प्रदेश में इस वक्त आंदोलनों का दौर जारी है, ये चुनावी साल है और लगातार कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के। मोर्चा ICDS, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते हैं।
इसी क्रम में मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति सहायिका संगठन की आंगनवाड़ी बहनों ने संयुक्त मोर्चा के तले एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। पिछले साल यानी 2022 में भी उन्होंने 44 दिन का भरी गर्मी में आंदोलन प्रदेश व्यापी किया था, लेकिन जब मांगे पूरी नहीं हुई तब एक बार फिर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले सत्र में भी आंदोलन किया था 44 दिन की, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी और हम लोगों को गुमराह करके हमें झूठा आश्वासन दे दिया गया, लॉलीपॉप दिया गया कि आप लोगों की मांगों का जल्दी निराकरण होगा और हमारी हड़ताल को स्थगित करवा दिया गया। चूंकि उसके बाद भी हम लोग निरंतर समय समय पे कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन पहुँचाया मंत्री महोदय जी के माननीय मुख्यमंत्री जी तक, लेकिन फिर भी उनका कोई हमारे तरफ ध्यान आकर्षण नहीं हुआ, कोई निराकरण नहीं किया गया। मजबूरी बस हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दी कि हमें आंदोलन पर फिर इस सत्र में हमें 15 तारीख से फिर बैठना पड़ा। आंगनवाड़ी बहनों का कहना है कि वो सिर्फ अपने मानदेय बढ़ोतरी और एक सुरक्षा की मांग कर रही है, उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन सरकार उनकी तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जब हमारी नियुक्ति हुई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, तो उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि आंगनवाड़ी के सिर्फ बच्चों के लिए पालन पोषण की देख रेख के लिए हमारी नियुक्ति की गई थी, लेकिन आज के समय में सरकार ने तो इतनी योजनाएं निकाल दी और हर विभागों में आंगनवाड़ी महिला बाल विकास को समर्पित कर दिया है। हमारे बिना कोई भी विभाग का काम नहीं हो रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पिछले साल आंगनवाड़ी बहनों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनती है तो आंगनवाड़ी बहनों की समस्याओं पर विचार करेंगे और जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। क्योंकि अगर उनकी सरकार रहती तो शायद अभी तक हम लोगों को कुछ फायदा मिलता, लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, तो हम तो उनसे निवेदन आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या किस चीज की नाराजगी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ना हम लोगों की तरफ देख रही है ना हमारी बातों को सुन रही है। मध्य प्रदेश सरकार के रवैये से त्रस्त होकर आंगनवाड़ी बहनों ने अब साफ कह दिया कि आर पार की लड़ाई है और जब तक कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि पिछले बार आश्वासन दिया गया था, वादा किया गया था, लेकिन वादा खिलाफी हुई है। अगर शासन का भी अगर रवैया रहेगा तो फिर हमारे जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश में सत्ता पलटेगी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। कहा जाता है कि नारी एक श्रृंगार होती है, दुनिया को सजाती है, घर को संवारती है, पूरे मध्य प्रदेश को संवारती है। आज वही नारियां हमारी मध्य प्रदेश सरकार के कारण हम लोग वोट में बैठे हुए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के इस प्रदेश व्यापी आंदोलन से प्रदेश में महिला और बाल विकास की सेवाएं पूरी तरह से ठप होती जा रही हैं। अब देखना ही होगा कि सरकार किस हद तक आंगनवाड़ी बहनों को मना पाती है और उनकी मांगों पर विचार कर पाती है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज पर लगातार बढ़ रहे अत्याचारों का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। फवारा चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय पर जुल्म लगातार हो रहे हैं, पुलिस और सरकार खामोश है, लेकिन कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर आएगा। आदिवासी प्रकोष्ठ का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कराई जाए, केंद्र की सरकार विपक्ष की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आज कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से फवारा चौक में गांधी जी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया गया, जिस पर कांग्रेस अपने आदिवासियों पर लगातार अत्याचार शोषण के खिलाफ और सांसद जो राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है उसे बहाल की जाए और लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर शोषण अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आदिवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। और अगर आदिवासी पर अत्याचार शोषण बंद नहीं होते तो पूर्व आदिवासी समाज इसका पुरजोर से विरोध करेगा। आज जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा जो आदिवासियों पर शोषण अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ में हमने आज धरना प्रदर्शन दिए। और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता भाजपा सरकार द्वारा निरस्त की गई, उसको बहाल किया जाए, इसको लेकर भी हमने धरना प्रदर्शन दिया गया।
छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के कमिश्नर राहुल सिंह बुधवार को निगम कर्मियों और अधिकारियों पर सख्त नजर आए। निगम सभा कक्ष में हुई साप्ताहिक बैठक में उन्होंने विभागवार कामों की समीक्षा की और शहर में पानी और सड़कों की सफाई, निर्माण कार्य, समस्याओं को लेकर सख्ती से समय पर काम पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर दिए गए काम समय पर पूरे नहीं हुए तो कार्यवाही की जाएगी। राजस्व की क्या बात करना, राजस्व ये लोग करने दे। बस ये है कि जो इसमें एक काम कर दो राजकुमार, इसमें परसेंटेज के हिसाब से फोन नंबर एक चल रहा है ना, टॉप 5 और जो बिलो 5, उन वार्डों के नाम आज पेपर में दे दो, ठीक है? टॉप 5 वार्ड और टॉप बिलो 5 वार्ड कलेक्शन, संपत्ति करके कलेक्शन और जल करके कलेक्शन, ठीक। तो उन वार्डों के नाम शिकायत प्रतिस्पर्धा में कोई थोड़ा बहुत कमाल आए बचे हैं, इसमें जो प्रयास करेगा तो ऊपर आ पाएगा, ठीक। नहीं तो ये जो बिलो 5 है ना, इन पे कार्रवाई होगी, नीचे के जो 5 है, ठीक। परसेंटेज के आधार पर आज रैंकिंग बनाकर भी 2-1 घंटे में। खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटा थाना, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटा थाना, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बुधवार को चैत्र नवरात्र अष्टमी का पूजन किया गया। इस अवसर पर जगह जगह हवन एवं कन्या भोज सहित अन्य धार्मिक आयोजन हुए। शहर के प्रसिद्ध षष्ठी माता मंदिर में अष्टमी पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने आहूति दी। परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर देवी भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। शारदेय और चैत्र दोनों ही नवरात्रों में यहाँ विविध आयोजन किए जाते हैं। जय माता दी सभी भक्तों को। आज
षष्ठी माता मंदिर में अष्टमी पूजन का प्रारंभ किया जाएगा। जिन भक्तों ने 8 स्वयं कामन कलश यहाँ पे माता बहनों ने रखे हैं षष्ठी माता मंदिर में, उसका आज अष्टमी का हवन प्रारंभ हो चुका है। और कल ठीक 3 बजे कलश शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो फवारा चौक होते हुए श्री षष्ठी माता मंदिर पहुँच के समापन होगा और शाम को भंडारा कन्या भोज किया जाएगा। धर्म नगरी कही जाने वाली छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज आगामी 2 एवं 3 अप्रैल को तीर्थंकर महावीर भगवान का 2622वां मंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाने जा रहा है। श्री वीर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर सकल जैन समाज के सभी वर्गों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने संयोजक मंडल के साथ महिला मंडल की विशेष बैठक संत निवास गोलगंज में संपन्न हुई, जिसमें महोत्सव समिति के LC जैन, दीपक राज जैन, नंदन जैन, सुजित जैन, सुमन बज, सोना जैन, आरती जैन सहित बड़ी संख्या में सकल जैन समाज की महिलाएं सम्मिलित हुई और सभी ने 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव को ऐतिहासिक रूप से मनाने का निर्णय लिया। बोलिए महावीर भगवान की जय। इस समय हम महावीर जयंती में 2 और 3 तारीख को बहुत धूमधाम से महावीर जयंती का उत्सव मनाने वाले हैं। 2 तारीख को हमारी वाहन रैली निकलेगी और 3 तारीख को भव्यता के साथ हम भगवान महावीर का जन्म उत्सव मनाएंगे और धूमधाम से बाजे गाजे के साथ जुलूस यात्रा निकलेगी। हम सब एक होकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव खुशी से मनाएंगे। आज अखिल भारतीय महिला परिषद पूरी जैन समाज की महिला परिषद की मीटिंग हुई है, उसमें महावीर भगवान का 2622वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की हम लोगों की कार्यकारिणी में योजना प्रस्तावित की गई है। जैसा कि सभी को विदित है कि हम लोग इस बार 2622वां जन्म दिवस महावीर स्वामी का मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश भर को महावीर भगवान के जन्म कल्याण की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारा लक्ष्य है कि ये जो हम अभी महावीर जन्म कल्याणक मना रहे हैं, इसको हम विश्व स्तर पर ले जाएं। खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं UPVC विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार भव्य और सुंदर। UPVC विंडो, UPVC डोर, UPVC पार्टीशन, UPVC स्लाइडिंग, LED मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का UP से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं UPVC विंडो, पाटनी टॉकीज के पास आटा चक्की के सामने छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर, स्कूटर्स पर 4500 रूपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रूपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक, साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज,
शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। माँ दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति श्री श्री सिंह वाहिनी मंदिर पीडब्ल्यूडी परिसर शिवनगर कॉलोनी में बुधवार को अष्टमी हवन पूजन समिति के सदस्यों एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि अष्टमी हवन आरती के उपरांत कन्या भोज किया गया। 30 मार्च गुरुवार को शाम 5 बजे घट विसर्जन किया जाएगा। उसके उपरांत रात 8 बजे भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। हवन पूजन कार्यक्रम में पंडित राम शर्मा, रोमी राय, धनराज यादव, दिनेश शुक्ला, कृष्णा राव ताठे, चुन्नीलाल खुराना, अनिल शुक्ला, पी के पांडे, देवेंद्र अग्निहोत्री, विनोद पुरी तथा अंबिका प्रसाद मिश्रा, सुरेंद्र दुबे प्रधान पुजारी उपस्थित थे। जिला चिकित्सालय के सामने स्थित श्री काली माता मंदिर में चैत्र नवरात्रों के अष्टमी के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। विशाल भंडारे में जिला अस्पताल का स्टाफ एवं दूर दूर से आए मरीजों के परिजन भी शामिल हुए। मंदिर समिति ने बताया कि पिछले 32 वर्षों से यहां हर साल भव्य रूप से भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। आज काली जी की अष्टमी का हवन हुआ है, जिसके उसमें ये भंडारा चालू है। ये काफ़ी सालों से चल रहा है यहाँ पर, और अब धीरे धीरे इसका बढ़ाव बढ़ते जा रहा है। कितने साल हो गए लगभग? कम से कम 20-25 साल हो गए। ये सभी एक सामाजिक संगठन है, इसमें कोई अध्यक्ष वगैरह नहीं है, सब सदस्य लोग हैं जो सभी लोग काम करते हैं। अनिल साहू। सेवा संकल्प समिति हर साल चैत्र माह की नवरात्रि पर 9 दिनों तक विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन करती है। इसी क्रम में बुधवार को अष्टमी के अवसर पर भी भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने साबुत दाने की खिचड़ी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया। मेरे पास ये चैत्र नवरात्र के उपलक्ष में सभी छिंदवाड़ा वासियों को सेवा संकल्प समिति की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और इसी यानी तारतम्य में हम लोग यानी सेवा संकल्प समिति 9 दिन का भंडारे का आयोजन करती है, और आज उसी अष्टमी के इसमें आज साबुतदाना और छाछ का वितरण किया गया है। इसमें सभी यानी भक्तों ने मिलकर हमको बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है, और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यानी अच्छी मेहनत करके और इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा। ये तो थी अब तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। श्री राम जन्मोत्सव पर छिंदवाड़ा शहर हुआ राममय, हिंदू उत्सव समिति निकालेगी भव्य शोभा यात्रा। श्री राम जन्मोत्सव वाहन रैली में शामिल होंगे जिले के सांसद नकुलनाथ, कांग्रेस धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ ने दी जानकारी। महिला रेसलर्स का हब बन रहा है अपना छिंदवाड़ा, स्टेट और नेशनल लेवल पर कुश्ती के लिए तैयार हो रही लड़कियां, 1 अप्रैल से जिला कुश्ती संघ देगा स्पेशल ट्रेनिंग। और आंगनवाड़ी बहनों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान, कहा राज्य सरकार ने वादा खिलाफी की, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।